जैनब चल आजमाते हैं दोनों को। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज फिर वीडियो बना रही हूँ और अभी शाम का 6 बज रहा है और मैं किचन में हूँ। मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बना लिया है और क्या बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पालक पकौड़े बनाए हैं, प्याज और पालक के, और ये मिर्ची के पकौड़े हैं, कुछ आलू के, और फ्रूट में ये फ्रूट चाट बना के फ्रिज में रख दिया है, ये देखें। और यहाँ शरबत है आज का, ठंडा होने के लिए रख दी। और रात के खाने में मैं चिकन बना रही हूँ, ये देखें आप। कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ क्योंकि नहीं अटेगा, और इसीलिए मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ आज पतीले में। और चिकन के लिए मसाले मैंने घर में ही तैयार करूँगी आज। ये देखिए साबुत धनिया, इसे मैंने गरम कर लिया है अच्छे से, जार में पीस लूँगी इसे। तो आज मैं रेडीमेड मसाला नहीं डालूँगी चिकन में, तो मैंने सोचा मैं साबुत जो घर में है मैं उसी को भून के पीस रहे थे, उसकी टेस्ट कुछ अलग आता है, बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट जो मैं काटती हूँ या हम लोग काटते हैं घर में, उसमें मैं तरबूज या खरबूजा कभी नहीं मिलाती हूँ अलग से, क्योंकि वो जैनब या फिर शाहिद नहीं खाते हैं तरबूज। तो तरबूज की कटिंग आज जहांगीर कर रहा है, मैं उससे करवा ली। चलिए सारा काट ले, बड़ा बड़ा एकदम फीका हो जाएगा। तो ये आलू डालूंगी आज मैं चिकन में, धो लिया है मैंने इसे, चिकन भी साफ कर लिया है, और प्याज एकदम ब्राउन हो गया है, तो मैं चिकन डाल लेती हूँ। तो अभी मेरा सालन तो कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं मसाले डाल के भून ही रही हूँ, लेकिन अभी अफ्तार का टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ अफ्तार करने के लिए सबके साथ। तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, स्टॉप इसे ढक दूँगी, वापस आके कंप्लीट करूँगी किचन में। तो चलिए रूम में चलते हैं अभी। फैजान का टोपी देख, कभी कच्चा रहता ही नहीं, टूट जाएगा सामान। कुकर मंगवाया क्या है? जा अवतार लिया भैया का है ये। झुनझुन हो गया होगा ना, भाई क्यों गुनाह कर रहा है? ये गुनाह थोड़ी ना, सवाब कमा रहे हैं।
मुझे भी देना अपना सवाब। ऐसा सोया बचाओ। सालन बना भी नहीं था, अवतार का टाइम हो गया, इसीलिए बंद करके जाना पड़ा अवतार करने। वहाँ से आके फिर मैं जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो तो बून भान के दही डाल के तरी लगा दी हूँ, बस 10 मिनट में बन जाएगा। और फिर मैं अभी दूध मंगा रही हूँ, चाय बनाऊँगी। और बर्तन इतने हो गए अवतार के बाद, ये देखें ये सब अभी धोऊँगी। यहाँ पर भी इतना फैलावा हो गया है चीज़ें, बस दूध आ जाए तो चाय बना लूँ, नहीं तो सर में दर्द हो जाएगा। फिर सबको चाय दे दूँगी तो हो जाएगा, फिर खाना बनाएंगे, चावल छोंकूँगी जीरे वाली। आज आयशा देख शायद फैजान का देखो, फैजान चाय पी रहे हो, बिस्किट चाहिए, बिस्किट चाहिए नहीं मिलेगा, सुबह मिलेगा। ये सब ठीक है, बर्तन धोएगी आयशा से मैं किचन में कह रही थी, आज परसों से बर्तन नहीं धोई है, मन बढ़ गया बहुत। क्या करूँ, थकावट होती है मेरे को। थकावट हो रही तो आज का बर्तन धोएगी जैनब। देख जैनब आज बर्तन बहुत ज्यादा है, धो लेगी? मैं बिल्कुल नहीं धोऊंगी। जैनब जाइए बर्तन धोने, फिर वो साउंड वाउंड स्पीकर विस्पीकर लगा के धोएगी ना। क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं तोड़ा। तो अभी मैं करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि ईशा का नमाज पढ़ना है। तो 8:30 से ज़्यादा हो गया है टाइम। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अब मैं मिलूँगी अगली वीडियो।